यूपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक अलेपुर में स्थित चक्राजमल गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 8 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 48 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने रिश्वत रानी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 10,000 की आबादी एवं 6,300 वोटों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 1500 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 82 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 160 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 12 हैंडपंप रिवोल्व कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 264 विद्युत पोल, 9 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व बारात घर का निर्माण कराया है। साथ ही वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 18 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 67 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। ग्राम प्रतिनिधि, हमारे ग्राम पंचायत चक्राजमल में जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पैसा पंचायत के विकास कार्य के लिए आ रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है और विकास कार्यों में लग रहा है। लेकिन अभी सरकार से थोड़ी सी हमें उम्मीदें हैं पंचायतों को, सभी को, योगी सरकार से भी, कि वो थोड़ा सा यो एक तो प्रधानों का जो पंचायतों का मानदेय है ग्राम प्रधानों का वो बहुत कम है, इसकी वजह से 24 घंटे प्रधान लोग गाँव की समाज की सेवा में लगे रहते हैं लेकिन प्रधानों का मानदेय बहुत कम है। आंगनवाड़ी आशाओं इन सभी लोगों पे सब पे ध्यान दे, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, प्रधानों पर भी विशेष कर से जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं गाँव की सेवा में लगे रहते हैं। तो हमारी योगी सरकार से और केंद्र सरकार से यही अपील है कि गाँव के विकास के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाए और ग्राम प्रधानों का भी विशेष कर से ध्यान रखा जाए।